लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन, नई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बड़गाम में विश्वकर्मा समाज ने धूमधाम से मनाई विश्वकर्मा जयंती। इस मौके पर समाजजनों ने नगर में निकाली भव्य शोभा यात्रा। बड़गाम में एक युवक की चाकू से गोदकर की हत्या। मृतक युवक का शव मादांता थाना क्षेत्र के मोटक्का चौकी अंतर्गत आने वाली नहर में मिला। सिलवानी में जर्जर हो चुके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में से बरसात का पानी टपक रहा। पानी से अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही परेशानी। बड़गाम में विश्वकर्मा समाज ने धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई। इस मौके पर सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर मंगलवार को स्थानीय विश्वकर्मा सौकात समाज समिति द्वारा शहर में भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में समाज के पुरुष वर्ग डीजे की धुन पर झूमते नजर आए, वहीं महिलाएं ढोलक की थाप पर थिरकती नजर आई। वहीं यात्रा के दौरान सुसज्जित बग्गी में भगवान विश्वकर्मा जी को विराजमान किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत सुबह 10 बजे शीतला माता मार्ग स्थित नागेश्वर मंदिर से हुई, जो शहर के झंडा चौक एमजी रोड जयस्तंभ चौराहे होकर अग्रसेन भवन पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा मार्ग पर शहर के अनेक समाज सेवियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। जयंती समारोह के समापन पर अग्रसेन भवन में भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। सनावत से दिलीप सिंह पवार की रिपोर्ट। बड़वा में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक का शव मादांता थाना क्षेत्र के मोटक्का चौकी अंतर्गत आने वाली नहर में मिला है। मृतक की पहचान बड़वा दशहरा मैदान निवासी राहुल उर्फ डगड़ू पिता भवानी राम उम्र 25 के नाम से हुई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने उसकी चाकू से वार कर हत्या की है। मृतक राहुल के रिश्तेदार राधेश्याम गुर्जर ने बताया कि 16 सितंबर सोमवार शाम को राहुल को उसका एक दोस्त घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद 17 सितंबर मंगलवार सुबह राहुल का शव नहर में मृत अवस्था में मिला। पुलिस को राहुल के शरीर पर करीब 10 जगहों पर चाकुओं के घाव मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में बड़वा पेट्रोल पंप एवं मिडवे होटल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से जांच की, जिसमें राहुल की एक अन्य व्यक्ति से झड़प होने का विजुअल मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सनावत से दिलीप सिंह पवार की रिपोर्ट। आज की घटना ये है कि देवेश ठाकुर नामक व्यक्ति ने बड़वा वाले ने रिपोर्ट किया कि मैं रोजाना घूमने आता हूँ, आज घूमने आया था तो एक्वाडक्ट पुल है, नहर कम पुल, उसके अंदर एक बाड़ी पड़ी हुई है जिसको शरीर पर चोटे हैं, खून गिरा हुआ है। मौके पर जाकर देखा, आसपास के लोगों को बुलाया, उनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये बाड़ी राहुल उर्फ डगड़ू पिता भवानी राम गुर्जर 28 साल निवासी दशहरा मैदान बड़वा की है। उसके शरीर पर गले में चोटे हैं, उसको किसी अज्ञात व्यक्तियों ने द्वारा हत्या करके लाश छुपाने की नीयत से, अपराध छुपाने की नीयत से हमारे क्षेत्र में फेंका गया है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब आगे जैसा भी ज्ञात होगा इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों की तलाश जारी। घटना को सब ये नहर के आगे आश्रम कने स्कूल के वहाँ से मारते हुए लाए, वहाँ खून के धब्बे भी पड़े हुए, ला के नहर में फेंका गया हुआ। ये नाइट की घटना सर। सिलवानी में जर्जर हो चुके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में से बरसात का पानी टपक रहा है। बाड़ो में टपक रहे पानी से भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक पलंग पर 3 से 4 मरीजों को बैठाकर उपचार किया जा रहा है। सिलवानी में 246 गांव आते हैं, जिनकी 1.5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी में एक साल में 1 लाख से ज्यादा मरीज गंभीर बीमारी और मौसमी बीमार के उपचार के लिए आते हैं। 17 साल पूर्व नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कार्य कराया गया था। तहसील के 1.5 लाख से अधिक की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने जाने की जिम्मेदारी संभाले तहसील का एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वयं ही वेंटिलेटर के सहारे है। करीब 17 साल पूर्व बना उक्त भवन न केवल जर्जर हो गया है, बल्कि छत से भी पानी टपक रहा है। ऐसा नहीं है कि मात्र बाढ़ की छत से ही पानी टपक रहा है, बल्कि कर्मचारियों के बैठने वाले कक्ष में भी पानी टपक रहा है। सरकारी अस्पताल की छत से पानी टपक रहे से परेशान हो रहे मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। छिंदवाड़ा में विश्वकर्मा बड़ी समाज संगठन ने महालक्ष्मी मंगल भवन में भगवान श्री विश्वकर्मा पूजन महोत्सव एवं जयंती कार्यक्रम हर्षोल्लास से मनाया। भगवान विश्वकर्मा का विधि विधान से पूजन अर्चन हवन संस्कार किया गया एवं समाज द्वारा प्रतिभावान छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के हस्ते सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही जिले भर से आए सामाजिक बुजुर्गों का भी समाज द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, भाजपा युवा मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने समाज को भगवान विश्वकर्मा के मंदिर निर्माण एवं सामुदायिक सामाजिक भवन दिलाने का आश्वासन भी दिया। छिंदवाड़ा से उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पन्ना में स्कूल व शिक्षा मंत्री एवं पन्ना जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा जिला चिकित्सालय में लगभग 3,79,00,000 रुपए से बने ट्रामा सेंटर लोकार्पण और पुराने कलेक्ट्रेट से महराज सागर तालाब तक के लिए सड़क निर्माण का शिलान्यास किया गया। भारत सरकार के द्वारा हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंटल केस के त्वरित उपचार को दृष्टिगत रखते हुए ट्रामा केयर यूनिट स्थापित किए जाने की नीति लागू की गई। इसके अंतर्गत वर्ष 2012 में मध्य प्रदेश के चिन्हित जिलों में ट्रामा केयर यूनिट के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें पन्ना जिले को भी शामिल किया गया था, जिसके बाद आज ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हुआ और उसका लोकार्पण किया गया। पन्ना जिला चिकित्सालय में पहले से ही लगभग 44 डॉक्टर के पद रिक्त पड़े हुए हैं और ट्रामा सेंटर में स्वीकृत 9 स्पेशलिस्ट डॉक्टर में से एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं है। जब प्रभारी मंत्री से सवाल किया कि डॉक्टर की कमी है उसे कैसे दूर किया जाएगा, इस पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की भर्ती की जा रही है। पन्ना से रतन सिंह की रिपोर्ट। हम लोगों ने उद्घाटन किया है जिससे यहाँ पन्ना जिले की जनता के लिए लाभान्वित होगी और इसी के साथ साथ में संजीवनी कुपोषण बच्चों के लिए भी एक शुरुआत की गई है। रेड क्रॉस के माध्यम से भी जो ब्लड डोनेशन करते हैं उन सबका एक सूचीबद्ध तरीके से तैयारी की जाएगी। तो ये आज का कार्यक्रम था, निश्चित रूप से ये एक अच्छा कार्यक्रम है जिससे जनता को लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा की बात की है, शिक्षकों की भारी कमी है, वर्ग एक की वैकेंसी के परिणाम आ चुके हैं लेकिन दो के नहीं आए और तीन की वैकेंसी निकली नहीं है, क्या कारण है, कब तक लाखों स्टूडेंट? हमने उच्च श्रेणी शिक्षा माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी निकाली और लगभग 17,000 उच्च श्रेणी शिक्षकों की परीक्षा करवाई। हमने पीबी के माध्यम से 5,600 की हमने माध्यमिक शिक्षकों की भी परीक्षा करवाई। प्रथम श्रेणी वालों के रिजल्ट आ चुके हैं और जल्दी शीघ्र हम उनकी भर्ती करेंगे जिससे जहां जहां कमी है उनकी पूर्ति करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।